सब लोग यहीं पर खा रहे हैं? हाँ, हम तीनों यहीं ठूसेंगे। मतलब तुम तीन, सब लोग नहीं। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सिर्फ तीन हैं यहाँ पर। अबे क्या है, तुम मार सकती हो मुझे? देखो, बाद में मुझे कोई अलग अलग खाना बनाने को बोलेगा ना तो नहीं होगा। एक मिनट, आज वही खाना बनेगा जो दीप्ति जी चाहेंगी। चीज खाएगी तू? जी हाँ। बाद में मुझे किसी ने कुछ और बनाने को बोला तो? अरे और कौन है यहाँ? उसे मालूम है। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देखो, अभी मुझ में और ताकत नहीं है। मैं जो अरे अभी मेरे तो नहीं, मैं खाना बना के चला जाता हूँ। मेरे को भी वो कुछ कहना चाहते थे। मैं बताता हूँ, वो हम सबके लिए खाना नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ नहीं खा सकते, बाहर जाओ। छोड़ो, हम बाहर ही चल के खाते हैं। हाँ, बाहर चल के ही खा लेते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उस कमरे में क्यों? वो रूम ज्यादा अच्छा है। शाम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तो मैं कसम से मैं भी वही कह रहा हूँ। बाहर दीप्ति, अंदर दीप्ति। क्या? मेरे अंदर भी एक और दीप्ति है। जाना डार्लिंग, शांत हो जाओ तुम। मेरा तो दिमाग खाली हो गया। मैं तू क्या रहा, क्या क्या हुआ? तू अभी तक नहीं समझा क्या? मैं सब समझ गया। मैं छोड़ो, से छोड़ो, क्या हो रहा है? गंदे इशारे कर रहा है। यू कर रहा है। तुम बताओ, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम सुनना चाहती हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। अंदर मेरी पर्सनल चीजें हैं। अबे कौन सी पर्सनल चीजें तेरी अंदर? अब हेयर ब्रश, टूथब्रश, टॉवल, बहुत सारी चीजें हैं मेरी। ये सारी चीजें ये देखेगी तू मर जाएगा। अरे उतना ही नहीं, तब रस्सी बांधकर मेरी छह चड्डियां लटकी हुई है, उनमें से दो में छेद है। मैं नहीं देखूंगी। मुझे भरोसा नहीं, तुमने देख लिया तो? अरे तेरी चड्डी पर लाल किले बने हुए हैं। छोड़ो मैं, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं दूसरी कमरे में चली जाती हूँ। ओके। अरे अब तो सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो शुक्र कर, मुझे जेल जाने डर लगता है, तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। अरे मैं बता रहा था, तू क्या बता रहा था? क्या हो रहा है? सही मोमेंट पे मेन स्विच ऑफ गियर में बज गया। मैं इसको बता रहा था कि ऑफिस में मेन स्विच निकाल दिया उन्होंने और मुझे झटका लगते लगते मैं बच गया। तुमको भाई अभी अभी आई, यही मैं सोच रही थी यहाँ क्या हो रहा है। अब तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। गुड बाय। कहाँ जा रहा है तू? मुझे कुछ और दिन जीना है। आजकल दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता, कभी भी बढ़ सकता है। क्या हो रहा है ये? देखो ना, ये जा रहा है हमको छोड़ के, इसको कहो ना रुकने के लिए। क्यों जा रहे हो? अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी आने वाली थी। अब मुझे ऑफिस जाके सारा काम खुद करना पड़ेगा। मुझे अकेली छोड़कर। मैं हूं ना, मैं जल्दी आऊंगा, फिर खाना वाना खाएंगे और उसके बाद चीज पकौड़ा रेडी है। चीज पकौड़ा किसके लिए? चीज पकौड़ा ये शाम के लिए। मिले? हाँ, मिले। ये चार चार बार चीज खाता है, सुबह रात दिन शाम, जब देखो चीज ही खाता रहता है। अबे मगरमच्छ की औलाद भैंस हो जाएगा। कोई ताजुब नहीं, इसलिए दिखता भी पकौड़े जैसा है। ठीक है, फेंक दो। आज से जो स्वीटी चाहती है वही बनेगा। फेंक दो। तुम्हें पता है मुझे पकौड़े पसंद नहीं है। सारे बर्तन धो डालो और सबके लिए कड़ी चावल बनाओ। गॉड। मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ। हाँ डाली, तुम अपनी सेहत बनाओ, मैं जाके ऑफिस संभालता हूँ। ठीक है? और सुनो, रात का खाना साथ में खाएंगे। छोड़ो भी। क्या रे, तू बता नहीं सकता स्वीटी आई हुई है? तू सुनता तब ना। क्या हुआ, तुम दोनों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, अब तो शांति शांति है। चलो बाहर जाके खाना खाते। अरे तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? अरे तुमने तो कहा था होटल में खाना खाएंगे, चलो। अरे मैंने तो सिर्फ तुम दोनों का झगड़ा रुकवाने के लिए कहा था। चलो ना जाने पे खाएंगे, प्लीज। अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो बाहर जाके खाना खाएंगे। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। हाँ वही करेंगे, हम तो वही चाहते हैं। कड़ी चावल तैयार है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कड़ी चावल बनाने के लिए किसने कहा? डार्लिंग,
हमारा प्लान क्या था कि हम होटल जाके कढ़ी चावल बनाने कोशिश ने कहा। इसने चार चार बार खाता ये कढ़ी चावल। अबे गेंडा हो जाएगा, पागल मोटा हो जाएगा, कितना खाएगा। मैं बोलूं ना इसके तो। लेकिन मैं सिर्फ चीज पकौड़ा खाऊंगी। तो फेंक दिया मैंने। फेंक दिया? किस लिए फेंक दिया? इसलिए, इसकी वजह से। इसने कहा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो, फेंक दो। नया सूट पहना है और टेबल भी बुक है, तो चलते हैं ना खाने खाने। प्लीज प्लीज। तो बोलने में क्या जाता है, फेंक दो। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ओके। हटो। क्या हुआ? गैस, खट्टी डकार। एसिडिटी होगी, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? और तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो? मैं अंदर नहीं जाने वाली। इडियट। स्टूपिड। तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते? पहन क्या हूँ तो है? ये लो, थोड़ी कड़वी है लेकिन तुम्हारी गैस जल्दी चली जाएगी। थैंक यू। मैं यहाँ के आती हूँ। क्या कर रहे हैं? सिनेमा चल रहा है इधर, चलो अपना काम करो। मुजरा चल रहा है, सिनेमा नहीं है। क्या हुआ? दवाई क्यों ले रहे हो? ये इसके लिए, इसके पेट में गैस है। चल बैठ। नहीं नहीं, पीले पीले पी। अब इसका सारा गैस निकल जाएगा। मेरी ड्रेस कैसी है? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सेक्सी यू लुकिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जाके लिफ्ट बुला, मैं जरा इससे बात कर लूं, प्लीज। अरे तुम दोनों कब से बातें कर रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज। अच्छा चलो मैं लिफ्ट बुलाती हूं, और एक मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। मालूम है फर्स्ट प्राइज जीता था मैंने इस गाने के लिए। अरे तुम गाते भी हो? हाँ। तुम्हें गाना सुनना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। ठीक है, हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक हो, और साथ में डिनर करेंगे। क्या बोलती तू? मैक वापस आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाला है। ऐसा बेदिल आदमी मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। जिसकी मंगेतर इतनी खूबसूरत हो, वो मामूली काम के लिए ऑफिस कैसे जा सकता है? अगर मैं उसके जगह होता और ऑफिस में आग भी लग जाती, तो तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, पर मैं कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेके जाऊँ। तुम कितनी अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखते हो। तुम आओगी ना? जिसका इतना बड़ा दिल हो उसे मैं कैसे मना कर सकती? थैंक यू। अभी आती हूँ, तैयार होकर। ओके बाय। अरे बापरे, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लिए सब बच्चों का खेल है। मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतने बड़े हो गए। इससे पहले कि ये खेल खतरनाक हो जाए मैं जा रहा। हटो हटो, वो तक मैं वापस नहीं आया। तुम रुक जाओ, मैं वापस आएगा तो उसको बोला कि मैं गया। हटो हटो। हाय हाय, तुम ये क्या कर रही हो? हेलो, मैं तो यही रहती हूँ, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? चलो रास्ता छोड़ो, हटो। देखो हटो। जहाज डूब रहा है, किस छोड़ कर बचाओ। जहाज डूबे या टूटे मुझे उससे क्या, चलो मैं जा रहा हूँ, छोड़ो। अगर ये जाता है तो इसे जाने दो, ऐसे भी इसे यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। तू कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली? बिल्कुल सही। तू कौन होती है मुझ पे हुक्म चलाने वाली? वहाँ चलो जहाँ पे तेरा हुक्म चलता है। अब देखता हूँ मुझे कौन निकालता है यहाँ से, देखता हूँ। साला हवाई जहाज में क्या बैठ गए, टाइम टाइम करती रहती घर में घुस के। मैं कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो उसे कहा था कि मेरी फ्लाइट की टाइमिंग चेंज हो गई है, जरूर भूल गया होगा। नहीं 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 नहीं, उसे भूलना नहीं चाहिए। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कभी ऐसे नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। नहीं, 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 मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी भी दिल का कमरा किसी के लिए खुला है। यहाँ पे कुछ खाने को है? कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। यहाँ खाने में कुछ मिलेगा? हाथी का अंडा है, उबाल के दूं? अरे मान ले, इसका दिमाग ठिकाना नहीं है। एक काम करते हैं, कहीं बाहर जाकर साथ में खाना खा लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। कम से कम इस बुड्ढे का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे। इधर नहीं, उधर उस कमरे में। इस कमरे की हालत बहुत खराब है, ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक काम करना, तुम वहां चलना उस कमरे में और फटाफट तैयार हो जाना। चलो चलो चलो। सच
सैम हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? जा तुम कहो। ये किसका बैग है? ये मेरा बैग है, इसमें मैं सब कुछ रखता हूँ, कान साफ करने का सलिया, पाउडर, कंघी, मोबाइल। लेडीज बैग में? नहीं नहीं नहीं, लेडीज बैग नहीं है, लेडीज बैग जैसे दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये लेडीज जेंट्स बैग है जो लेडीज बैग जैसे दिखता है। अच्छा है ना? छोड़ो, मैं ड्रेस कैसा लग रहा है? बिल्कुल कमाल की लग रही हो। एक स्कार्फ डाल लूं उसके ऊपर? नहीं नहीं, स्कार्फ की जरूरत नहीं, चलो तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुको ना, दिखाती हूं, एक मिनट। Ready? मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो। तुमने मेरा बैग क्यों पकड़ रखा है? अब ये तुम्हारा बैग है? अब इतना सुंदर बैग है, मैं इसकी खूबसूरती देख रहा था। ये किसका बैग है? ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है। मैंने एक्चुअली, मुझे लगा कि ये बैग वो बैग है और वो बैग ये बैग है, इसके लिए मैंने वो बैग उठा लिया, लेकिन एक्चुअली अब ये तुम्हारा बैग है और ये मेरा बैग है। चलो चलो चलो, क्या कंफ्यूजन है, छोड़ो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन खाने वाला है और कौन नहीं खाने वाला है, और जो खाने वाला है वो क्या खाने वाला है, जो नहीं खाने वाला है वो क्या क्या नहीं खाने वाला है, बता दो। कड़ी जाओ। I'm ready. वड़ा पाव वगैरह नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। सैम 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 तो मंदिर नहीं जा सकते। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, हमको नंगे दिख रहे हैं क्या आपको? एक मिनट, स्टॉप ग्रबलिंग अस। अरे आप और आई कॉल मोस्ट सिक्योरिटी। ये अरे क्या, तेरे साले होटल मुतूंगा भी नहीं। तुम्हारे पास मोबाइल है? मुझे एयरपोर्ट फोन करना पड़ेगा ये बताने के मैं यहाँ पर हूँ। सॉरी मैं भूल गया। ठीक है ना, चलो हम रिसेप्शन से फोन कर लेते हैं। किसी दूसरे होटल में चलते। अरे क्यों, तुम्हें लगता कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। बदबू नहीं आ रही है, मुझे पता था तुम्हें सर्दी हो चुकी है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यही रुको, मैं भी फोन करके आई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझ पर, जब भी मैं छत पे रहता हूँ ना, ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरता तो बस हमेशा यही सोचता हूँ कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी मेरी स्वीटी, मेरा मतलब है मेरी दीप्ति, दीप्ति मेरी बात तो सुनो। साले तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? इस शहर के अंदर हजारों रेस्टोरेंट है, तुझे यही आकर मर रहा था? इस शहर के अंदर हजारों रेस्टोरेंट है, तुझे भी यहाँ कर मर रहा था? एक दूंगा, मेरी नकल कर। तू क्या करता है यार, अगर तू मुझे बताता कि तू यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं आता, कहीं और जाता ना। समझ में नहीं आता मेरी किस्मत में ये खत्म कब होगा। अच्छा स्वीटी कहाँ? स्वीटी नहीं, पूजा। पूजा पूजा, ये भूती क्या कर रही है? देख मैं घर से निकल रहा था, मुझे पता नहीं वो सामने से आ रही थी तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। तो स्वीटी कहाँ है? स्वीटी स्वीटी तो घर पर है। तो उसको घर क्यों छोड़ा? तुम्हें क्या दोनों को साथ में लेकर आया था क्या? तो स्वीटी कहाँ भी? स्वीटी मैंने बुलाया, घर पर है। मेरा मतलब पूजा कहाँ है? पूजा पूजा फोन कर रही है। फोन कर रही? या ओके, आज तो मर गए यार, बर्बाद होकर फंस गए, गेम खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, अब सर साहब समझ नहीं आएगा। ओके फाइन। अरे वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं यार। अरे यार थैंक गॉड। एक काम कर, मैं दीप्ति को लेके घर जाता हूं। ओके मेरे घर पहुंचने से पहले तू मेंबर को फोन कर और उसको बोल स्वीटी को किसी और कमरे में डाल दे। ओके समझे? लेकिन कैसे? मुझे नहीं मालूम यार, हर काम मैं ही बताऊं। उस बुड्ढे को बोल, को सोचने के लिए सारा दिन ठूसता रहता है, उसको बोल, मुझे नहीं मालूम वो कैसे भी सोचेगा। एक्सक्यूज मी, अरे उन लोग कहां है? दीप्ति कहां है? पूजा कहां है? अबे उसको ढूंढ, मैं अपनी पनवती को ढूंढता हूं। सुन 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 सुन, घर जाने मत देना उसको। ओके गुड इवनिंग।
सॉरी सॉरी दीप्ति 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 अबे दरवाजा खोल दीप्ति 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 आज बकरा कट गया आज बकरा कट गया छोटू गाड़ी निकल अब बल बल चली चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं ड्राइवर जल्दी से उस गाड़ी का पीछा कीजिए पूजा रुको 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 ड्राइवर चलो चलो कम ऑन रुको तुम चलो 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 कम ऑन रुको रुको तुम चलो ना ओके 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 पूजा आप कम चलो बाबा चलो जल्दी करो तुम क्या कर रहे हो तू मुझे अकेले छोड़ के घर वापस जा रही थी कितनी बेरहम हो तुम सैम मैंने मैक को देखा मैक वो मैक पूजा मेरा दिल तुम्हारे प्यार के दो बूंद के लिए इतना तरस रहा है और तुम वो मैक के पीछे भाग रही हो जिसने तुम्हारी पुकार सुन के भी तुम्हें अनदेखा कर दिया वो क्योंकि समझ गया सच्चे प्यार के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम वो तो कोई गाना है ना नहीं वो गाना नहीं गाना है ड्राइवर गाड़ी रुको गाड़ी रुक दो तुम यही रुको मैं अभी गया अभी आया सैम तुम कहाँ जा रहे हो सैम सैम एक सेकंड मैम्बो एक ग्लास पानी देना बॉस फोन कहाँ है फोन वहां पर है वहां पर है हाँ मैमो सुन मैं बोल रहा हूँ सॉरी 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 डैम इट सिंगापुर फ्लाइट वहाँ बहुत जल्द पहुंचने वाली है लेकिन उसके पहले बैंकॉक फ्लाइट का ऐसे इंतजाम करना कि वो सुबह से पहले नहीं उठे क्या समझा हाँ बॉम्बे फ्लाइट मेरे साथ है बॉम्ब मुंबई फ्लाइट मेरे साथ है और वो उड़ान भरने की तैयारी में है और मैं ध्यान रखूंगा कि वो वहां तक नहीं पहुंचे और वैसे ही करना जैसे मैंने बताया ये जिंदगी और मौत का सवाल है अरे यार समझे उसकी बातों से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आतंकवादी है सिंगापुर और कोई हवाई जहाज हाईजैक करने के चक्कर में है वो उसका प्लान बहुत ऊंचा है जब तक पुलिस नहीं आ जाती है ना इसको अपन रोक के रखते ओके ये शाने ज्यादा किधर है घर जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते पुलिस हमको सब मालूम है साले आतंकवादी मैम्बो तुमने कभी किसी से प्यार किया है सिर्फ मेरी वाइफ से तुम्हारी वाइफ भी है अरे नहीं थी भाग गए मेरे छोटे भाई के साथ इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं है ना मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरा मैक मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता मैक की कितनी आंखें हैं और कहाँ कहाँ घूमती है तुम्हें क्या पता देखो अगर तुम सुन रही हो तो मैं बता दूं ये जो मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ वो लोग करवा रहे हैं मुझसे समझ गई तुम अब उनका नमक खाया तो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा ना नींद की गोली है रोमांस की मैंने उठा